शो में मार्केट एक्सपर्ट जुड़ते हैं। तो हमारे आज के मेहमान जीओ फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। गौरांग, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और जैसे जैसे आज का कारोबारी सत्र अपने अंतिम फेज की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बाजार थोड़ा सा हल्का हो रहा है। उच्चतम स्तर से खासतौर से हम देख रहे हैं कि अब थोड़ी मुनाफा वसूली, जो हमेशा से हम देख रहे हैं कि बाजार हाई जाता है और वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाती है। तो अभी लेवल्स के लिहाज से आपके रडार पे क्या है एम लेवल्स? और देखिए, 24,990 से लेकर 25,000 फिलहाल हम देख रहे हैं, उसके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक रेंज बाउंड ही है अपर लेवल्स पर भी, बताइएगा। धन्यवाद कविता, मंच पर आमंत्रित करने के लिए आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो हम पहले भी जुड़े थे बुधवार को हमारे चैनल ईडन हाउस स्वदेश पर, और बाजार को लेकर के एक रुख ये बताया था कि अगर 25,000 के ऊपर निर्णायक तरीके से बंद स्पॉट निफ्टी में हमें देखने मिलता है तो फिर ऊपर के तरफ के दायरे में 25,200 और 25,400 के स्तर भी हमें देखना वाजिब होगा। और अगर हम 25,000 के नीचे जाकर के बंद देते हैं तो शायद 24,900 और 24,800, तो ये एक दायरा है क्योंकि हम एक नए सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए कविता, तो दायरा भी उतना ही बड़ा बन जाता है क्योंकि ये अनचार्टेड टेरिटरीज हो जाती हैं। क्षेत्र के आधार पर मेरे ख्याल से आपको हरकत आती हुई दिखाई देगी, FMCG कंपनियां, पावर से जुड़ी हुई कंपनियां, और शायद थोड़ा बहुत योगदान आपको वित्तीय क्षेत्र से भी आता हुआ दिखेगा, खास करके सरकारी बैंकों से नतीजे अच्छे आए थे। तो 25,000 के ऊपर बंद स्पॉट निफ्टी में शायद आपको और भी ऑलराइट, ऊपर के तरफ के दायरे दिखा सकता है। यहाँ पर बैंक निफ्टी जो हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है, गौरांग, क्या है अहम लेवल्स? देखिए, ये भी जो है 51,650 से लेकर 750 तक के लेवल्स के बीच में ही झूलता हुआ फिलहाल आज के ट्रेड में दिखाई दे रहा है। तो निजी क्षेत्र के बैंक का योगदान थोड़ा बहुत कम आ रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक ऊपर के तरफ टिकने में हमें थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से आंकड़े आए हैं कविता, अगर छोटी मध्यम अवधि का आपको कोई पाबंदी नहीं है समय सीमा की, तो हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र के सूचकांक भी काफी अच्छा कर सकते हैं आगे जा करके, और ऊपर के तरफ शायद आपको एक नया सर्वोच्च स्तर 52,000 के पार बनता हुआ दिखाई देगा। ये मैं आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद अगले हफ्ते आपको एक नया सर्वोच्च स्तर बनता हुआ दिखाई देगा। कुछ अहम बैंक्स के नतीजे आना बाकी है, खास करके जो सरकारी बैंक का बूथ है वहां से, तो अगर योगदान वहां पर अच्छा आता है तो दोनों तरफ से आपको शायद योगदान आता हुआ दिखेगा, और वो वित्तीय क्षेत्र की सूचकांक यानी कि निफ्टी बैंक को 52,000 तक जाने की क्षमता रखता है। हुए हैं तो फिनो पेमेंट्स बैंक पर बातचीत हुई थी ब्रेक पर गए उससे पहले। गौरांग, बताइएगा आपका व्यू इस पूरे क्षेत्र पर क्या उभर रहा है? मैनेजमेंट की टिप्पणियां हम सुन रहे थे कविता, पहले मैं शुरुआत करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ। 75% के आसपास शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 14% के आसपास पब्लिक के पास, 6% के आसपास स्थानीय संस्थागत निवेशक, और 5.25% के आसपास विदेशी संस्थागत निवेशक। इसके कारण जो फ्लोट होता है कविता, इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। दूसरी बात, विस्तार योजनाओं को लेकर के जो भी टिप्पणी कही वो काफी उत्साहित है, और हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद अगर जमीनी स्तर पर इन्होंने जो विस्तार योजना है अगर वो लागू किया तो शायद योगदान बैलेंस शीट पर और बेहतरीन तरीके से आ सकता है। बड़े और छोटे शहरों में तो है ही, लेकिन ग्रामीण मध्यम ग्रामीण इलाकों में ज्यादा कामकाज जिनका होता है, तो एक उभरती हुई कंपनी है। और जहां तक रन रेट का सवाल है, मेरे ख्याल से भविष्य में जैसे हमने बताया, और इन्हों की जो योजना है विस्तार योजना है, अगर वो लागू हो गई तो शायद यहाँ से रुझान और बेहतर हो सकता है। देखना ये जरूरी है कविता कि क्या ये इस तिमाही में जो हमने टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखा है, क्या ये सक्षम रूप से मेंटेन कर पाते हैं या नहीं।